हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सोरासिस अगर आपको हो रहा है और आपको इन्फ्लेमेशन बहुत है, फ्लेयर्स बहुत गिर रहे हैं, फ्लेक्स बहुत गिर रहे हैं और साथ ही साथ बहुत खुजली है, रेडनेस है, तो आप ऐसे कौन से ऑयल्स हैं जो यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि आप कोकोनट ऑयल यूज़ करिए, उसमें 2-3 आप कपूर की गांठ डाल के उसे यूज़ कर सकते हैं। आज 2 ऑयल इसके अलावा हम ऐसे बताएंगे जो आपको रेडनेस कम करके देंगे या इचिंग में आराम देंगे या इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन कम करेंगे, वो होते हैं टी ट्री ऑयल या टर्मरिक ऑयल। आप टी ट्री ऑयल को जो कोकोनट ऑयल आप कपूर डाल के यूज़ कर रहे हैं उसमें भी मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप खाली सिर्फ टी ट्री ऑयल को भी यूज़ कर सकते हैं और साथ ही साथ आप टर्मरिक ऑयल को भी यूज़ कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है, हल्दी, टर्मरिक ऑयल जैसे हल्दी से बना हुआ है तो हल्दी से बना हुआ जो ऑयल है आपका इन्फ्लेमेशन ठीक करता है स्किन के, और जैसा आप जानते हो टर्मरिक एक एंटीसेप्टिक है तो ये हील करने में आपको आसानी देता है। आपके जो अंदर स्किन की हीलिंग चल रही है, जो भी डेड स्किन है वो जल्दी से उतरेगी और इन्फ्लेमेशन कम होगी। साथ ही साथ टी ट्री ऑयल आपको जितने भी आसपास के जो इन्फेक्शंस आप प्रोन हो जाते हो, जब आपका सोरासिस हो रहा है और आपकी स्किन इफेक्टेड है तो आप प्रोन हो इन्फेक्शंस कैच करने के लिए, क्योंकि पोर्स खुल जाते हैं स्किन के। तो आप अगर टी ट्री ऑयल यूज़ करते हैं तो आपको कोई भी एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंग ऐसे इन्फेक्शंस नहीं होते हैं और आपकी जो हीलिंग है वो फास्ट हो जाती है। तो अगर आपको सोरासिस हो रहा है तो आप कोकोनट ऑयल में जो कपूर मिक्स करके लगा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, साथ ही साथ आप टी ट्री ऑयल या टर्मरिक ऑयल यूज़ करके देख सकते हैं और आप देखेंगे कि आपका सोरासिस कितनी जल्दी हील हो रहा है और इचिंग में और इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन में आपको कितना आराम आ रहा है। साथ ही साथ आप मेरे पेशेंट का एक फीडबैक वीडियो सुनिए। हमें दूर से जो पेशेंट हमारा ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जो नहीं आ सकते हैं क्लिनिक पे, वो हमें वीडियोस बना के भेजते हैं, अपना प्यार भेजते हैं, उनकी ज़बानी उनकी कहानी सुनिए और अपने सोरासिस को ठीक करने का एक कॉन्फिडेंस पाइए। और ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर पेशेंट को सोरासिस है तो मैं ये नहीं बोलती कि 20 दिन में चमत्कार हो जाएगा और सोरासिस ठीक हो जाएगा। सोरासिस को ठीक होने में 2 महीना भी लगता है, 4 महीना भी लगता है, 8 महीना भी लगता है। पेशेंट की बॉडी पे डिपेंड करता है कि कितनी तेज़ी से उनका रिस्पॉन्स है दवाइयों को लेके या सोरासिस जैसी बीमारी जो उनको हो रही है उसको लेके। अगर आप सोचते हैं ऐसा कि आप बिना स्ट्रेस लिए या बिना डाइट फॉलो करें या लाइफस्टाइल ठीक करें सोरासिस अपना ठीक कर लेंगे, कोई जादू होगा और 1 महीने में बॉडी साफ हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। सोच के देखिएगा आपको सोरासिस कितना पुराना होता है। आप एलोपैथिक दवाइयाँ लेते हैं, स्टीरोइड्स लेते हैं और आप वहाँ के डॉक्टर्स को या वहाँ पर जाके आप डॉक्टर्स को नहीं बोलते कि आपने मेरा सोरासिस बढ़ा दिया, आपने मेरा सोरासिस जड़ से ख़त्म नहीं किया, आपने मुझे सोरासिस की क्या दवाई दे दी, आप मेरी कंसल्टेंसी वापस करो या पैसे वापस करो। तो आप खुद सोच के देखिएगा कि आप कैसे अपने सोरासिस को ले रहे हैं और यहाँ से कितने स्टेबल हैं। सोरासिस को ठीक करने के लिए ये स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, अग्रेसिवनेस को कम करना ज़रूरी है, अपने गुस्से को डाइवर्ट करो, उसको अच्छी चीज़ों में यूज़ करो एनर्जी को, तभी सोरासिस ठीक हो पाएगा। तो आप पेशेंट की ज़बानी खुद ही सुनिए कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और वो सोरासिस फ्री है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ बंगाल का रहने वाला, मैं काम के लिए मैं फरीदाबाद में रहता हूँ, फैक्ट्री में काम करता हूँ और यहीं पे मेरा सोरासिस शुरू हुआ था। एक डॉक्टर ने लीवर की मेडिसिन दिया था, उसी मेडिसिन की वजह से मेरा ये शुरू हुआ। तो मैंने डॉक्टर को बताया, वो कह रहे एलर्जी है, उसकी दवाई खाया 1 महीना कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद मैंने एक स्किन वाला डॉक्टर के पास गया, उसके पास भी खाया, वो भी पहले पहचान नहीं पाया। 1 महीना खाया, उसके बाद वो देखा, ये कह रहा है बेटा ये तेरा सोरासिस है, ये ऐसी एक बीमारी है, ये कभी ठीक नहीं होगा। मैं सुन के तो मेरा होश ही उड़ गया, कैसा बीमारी है, कभी देखा नहीं ना सुना हूँ ये बीमारी। तो वहाँ से मैं आके सीधा फरीदाबाद से मैं गांव चला गया, गांव के गांव को जाके दिखाया, 1 हफ्ता तो मेडिसिन में कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो उसके बाद मैंने मैगजी की वीडियो देखा, वीडियो देखा जर्स यहाँ पे सोरासिस पूरी जर्स से ख़त्म होता है। तो मैंने तुरंत फोन लगा दिया, मैंने नंबर लगा दिया, फोन उठाया कोई डॉक्टर ने, तो मैंने बताया जब मेरे सोरासिस है कि डॉक्टर ने बताया, तो डॉक्टर ने बताया कि आप फ़ोटो भेजिए। मैंने फ़ोटो भेजा, फोटो देख के कह दिया सोरासिस है।
एक साल होगा नहीं, 9 महीने 10 महीना मैंने मेडिसिन लिया है। अब मेरा सोरासिस पूरा ठीक हो गया है, कोई कोई भी काला काला सा नहीं है। एक दो है वो भी तेल है, तेल लगा रहा हूँ, ठीक हो जाएगा। और मैं अभी तक, मैं दोस्तों मैं अभी तक मैं गया नहीं, फोटो गांव से बंगाल कहाँ है, बंगाल से मैं फोटो फोटो देख के मैं फोटो देख के भेज रहा था, उसी की बता रहे थे ऐसे ऐसे करो आपके डाइट फॉलो करना है, डाइट भी फॉलो करता था। दोस्तों अगर किसी के कुछ सोरासिस हो, किसी के रिलेटेड प्रॉब्लम हो, आप डॉक्टर हेल्थ में कॉल करिए और डॉक्टर से मिलिए, बातें कीजिए। आपका सोरासिस हो, कुछ भी हो, आपका सही हो जाएगा। और मैं तो दोस्तों अभी तक गया भी नहीं, मैं पूरा ठीक हो गया फिर भी नहीं गया डॉक्टर हेल्थ पे, एक बार नहीं गया। मैं तो बहुत दूर रहता हूँ, फरीदाबाद में गोरगांव में रहता हूँ, मैं अभी तक गया नहीं हूँ, ठीक भी हो गया मैं पूरा। नमस्कार दोस्तों। और अगर आपको सोरासिस की दिक्कत है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे अपनी फ़ोटोज़ भेजिए, थोड़ा ट्रस्ट रखिए, पेशेंस रखिए और अपने सोरासिस को जड़ से ख़त्म करें। सो थैंक यू एंड टेक केयर।